यूपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अतः आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस है। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल सर्च इंजन में सर्च करना है CCP 223, और यहाँ पर आपको यूपी PRPB पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, तो आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया होगा वो कैप्चा कोड आपको इस कॉलम में टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो केवल आप अपने 10वीं के रोल नंबर को भी टाइप कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना 10वीं का रोल नंबर टाइप करना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया होगा वो कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आप बढ़िया आसानी से अपना यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर नेम क्या है और जो सेंटर का एड्रेस है वो क्या है और कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे चेक कर सकते हैं एग्जाम डेट और एग्जाम का टाइम, किस टाइम से किस टाइम तक आपका एग्जाम चलेगा। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम में आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस टाइम वहाँ पर पहुँचना है, और गेट क्लोज होने का जो टाइम है वो यहाँ पर दिया गया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आप बढ़िया आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। एडमिट कार्ड से संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी समय पर मिलती रहे।